इतने सताया, पिताजी तो घर छोड़कर भाग गए। घर में रह गई मैया। मैया को इतने पिटाई की मैया को, मैया ने कुएं में छलांग लगा करके प्राण त्याग किया। घर में छह बेस्याओं को घर में बुला करके रखा। इतना बड़ा पापी कोई हो सकता है? फिर लास्ट में राज दरबार में उन्होंने डाकू डाला, बहुत कुछ पैसा को लूट पाट करके लाया। जल्दी वाला तो कथा से पहले सब दे देना चाहिए। इसलिए उसने और बेस्याओं ने बड़े बुरी तरह से उसको प्राण को त्याग दे करके गड्ढे में खोद करके गाड़ दी और भाग गए। अभी ये धुंधुकारी बन गया पापी। इतना बड़ा पापी बन गया, जब गोकर्ण ने उसको नाम पर गया में पिंड दे करके आया, देखा फिर भूत बनकर बैठा हुआ। क्योंकि भगवान का वरदान है, गया में जा करके पितृपुरुषों को उद्देश्य में एक बार पिंड दे दो, उसका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब पिंड दे करके वापस आया ना, देखा घर में फिर वही भूत बन करके बैठा हुआ। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना बड़ा पापी है, लेकिन इतना बड़ा पापी को मुक्ति कैसे मिली, जब इसने ये भागवत कथा सुना। ये भागवत कथा से ही उसको संसार से मुक्ति मिली। तात्पर्य है, हम जितने बड़े पाप कर्म क्यों नहीं किया हुआ हो, एक बार आओ और ये भागवत कथा में बैठ जाओ। तुम्हें और कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, केवल भागवत कथा में आकर के बैठ जाओ। लेकिन बैठना कैसे, इधर सुना, पास में जो बैठे हुए हो, कल मैं बता रहा था ना, जिनको कथा सुननी है, जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा दो, उससे थोड़ी अलग और बैठो। क्योंकि देखो भागवत ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही देगा। अगर दुनियादारी बात करोगे ना, फिर तो मुक्ति नहीं मिलेगी, भाई संसार में दुख कष्ट पाओगे, ठीक है ना। जो पास में जिसको जानते हो थोड़ी सी अलग और बैठ जाओ, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मतलब है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है? कहते पापी से पापी भी अगर कथा में बैठे तो उसको भी कल्याण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बोले अरे हम सब कुछ जानता हूँ, मेरे से कथा बता सुनने का जरूरत नहीं, सुनी सुनाई कथा तो हम कितना सुनेंगे, हम सब जानते हैं, हमें सब कथा बता की जरूरत नहीं। उदाहरण दिया है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी जगत में कोई हो ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने मातृगर्भ में 16 साल तक जिसने रहा, गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहा था सुखदेव गोस्वामी।